एक भी बाल नहीं था। भीम और हिडिंबा ने उनका नामकरण किया घटोत्कच। बोल वीर घटोत्कच की जय। उनका नाम रखा वीर घटोत्कच। वो बालक उत्पन्न होते ही इस धरती पे आते ही और यौवन अवस्था में चला गया। ये विशेष बात आपको बता रहा हूं। राक्षस जो होते हैं उनका ऐसा नहीं, अपने यहां तो मनुष्य में तो बात अलग है, उस जमाने की बात मैं बता रहा हूं आपको। अपने यहां तो एक महीने का बच्चा हुआ, फिर दो महीने का हुआ, फिर तीन महीने का हुआ, फिर साल भर का हुआ, फिर एक जन्मदिन मनाया, फिर दो साल का दूसरा जन्मदिन मनाया। लेकिन घटोत्कच ने ये सुविधाएं नहीं दी जन्मदिन मनाने की। जन्म लेते ही यौवन अवस्था में चले गए, बड़े हो गए, उनका नाम रखा गया घटोत्कच। घटोत्कच के पैदा होते हिडिंबा की शर्त उन्हें याद आ गई और वह भीम को मां कुंती के पास लेकर आए और अपने पुत्र घटोत्कच को भी लेकर आई। कुंती के सामने उपस्थित हुई, उसने कहा, मां मैं पुत्रवती हो गई हूं और ये आप अपने पुत्र को संभालिए, मैं आपके पुत्र को पुनः आपको सौंप रही हूं और मुझे आज्ञा दीजिए, अब मैं भी चलती हूं। लेकिन हां, जब कभी भी किसी भी प्रकार का कोई भी संकट आप पर आए तो आप एक बार अपनी बहू को जरूर याद करना। एक वो बहू थी, एक आजकल की बहू है, ये नहीं बोलती कि संकट आया तो याद करना, संकट दे दिया अब याद करना। सौ में से एक ऐसी होती है, मैं सबके लिए नहीं बोल रहा। वहां से चल पड़ी, आपकी सेवा में हमारा जीवन बिता देंगे, हमारा जीवन मिटा देंगे, मां मेरी आवश्यकता हो मुझे याद करना, मेरे बेटे की आवश्यकता हो मेरे बेटे को याद करना, दोनों की आवश्यकता हो तो हम दोनों को याद करना। बोल साचे दरबार जय। हिडिंबा के हृदय में प्रेम देखकर कुंती मंत्र मुग्ध हो गई। उसने कहा, हे हिडिंबे, राक्षस वंश में जन्म लेने के बाद भी तुम में राक्षसों जैसे गुण नहीं, तुम्हारा हृदय बड़ा ही प्रशंसनीय है, बड़ा ही उच्च है। अधिकांश स्त्रियां अपने अधिकार के लिए अपने पति से लड़ती हैं, अपने परिवार से लड़ती हैं, लेकिन तुमने आज मेरा दिल जीत लिया, तुमने अपना वचन निभाया। अगर तू चाहती तो अपने पति से कुछ नहीं चाहती, तुमने अपनी इच्छाओं का त्याग दिया और मेरे बेटे को मुझे सौंपने के लिए। कुंती ने हिडिंबा और घटोत्कच के सिर पर हाथ रखा तथा भरी हुई आंखों से उन्हें विदा देने लगी। हिडिंबा अपने पुत्र घटोत्कच के साथ द्वारिका की ओर उड़ गई। द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण सिंहासन पर विराजमान थे, उनका नाम चारों ओर छाया हुआ था, पूरे हिंदुस्तान में पूरी दुनिया में छाया हुआ था और आज भी छाया हुआ है। कहते हैं ना, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, गोविंद मेरो है,
गोपाल मेरो रो रो गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है बोलिए बोलिए गोविंद मेरो संकीर्तन गाया था मेरे प्यारे का नाम श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा पूरी दुनिया में केवल एक ही नाम था प्यारा प्यारा नाम गोविंद का प्यारा प्यारा नाम गोविंद का प्यारा नाम गोविंद का जिसने रटा वो पार हुआ है प्यारा प्यारा नाम गोविंद का बोलिए बोलिए जिसने रटा वो पार हुआ है प्यारा प्यारा नाम कान्हा का प्यारा जो रोज नाम रटते हैं और जो नहीं रटते वो एक बार हाथ उठाइए जो नहीं रटते प्रेमियों भजन बहुत जरूरी है भजन के बिना गोविंद नहीं मिलता एक छोटा सा उदाहरण दूं आपको मेरा जहां तक मानना है सबके पास मोबाइल होगा आजकल तो सबके पास हर एक दो दिन बाद आजकल तो मल्टीमीडिया सेट चल गए सुबह चार्ज करो दोपहर तक खत्म और फिर हमको उन्हें चार्जर में चार्ज करना पड़ता है लगाना पड़ता है ये हमारा जो शरीर है ये मोबाइल है ये हमारा शरीर जो है ये मोबाइल है आत्मा रूपी सिम उसमें लगानी पड़ती है जब सिम में से पैसा खत्म हो जाता है तो ना आता है ना जाता है आता तो है जाता नहीं जब बैटरी डाउन हो जाती है हम लोग उसको चार्जर में लगाते हैं ये भजन रूपी जो बैलेंस है ना ये आपको रोज रोज डालना पड़ेगा ये श्याम नाम रूपी चार्जर जो है इसको लगाकर रोज चार्ज करो कभी बैटरी डाउन नहीं होगी और आप मोबाइल को रख दीजिए चार्जर को तोड़ दीजिए चार्जर अगर टूट गया तो आपका मोबाइल खराब सुधरने के लिए देने जाओगे तो मना कर देगा भाई साहब इसी प्रकार इस भजन रूपी चार्जर को लगाकर रोज एक टाइम अपने मोबाइल को चार्ज कर लिया करो मैं इतना ही कहूंगा प्यारा प्यारा प्यारा
श्री कृष्ण सिंहासन पर विराजमान थे, उनका नाम चारों दिशाओं में फैला हुआ था। वह अन्याय और भ्रष्टाचार को मिटाकर इस धरती पर धर्म का राज्य स्थापित करने में लगे हुए थे। प्रेमियों, माधव जैसा धर्म को, धर्म की ध्वजा को लहराने वाले, अधर्म को मिटाने वाले भगवान श्री कृष्ण, संध्या का समय था, सूर्य अस्त हो रहा था, वे अपने रथ पर बैठकर भ्रमण करने के लिए निकले। बहुत दूर तक चले गए, बहुत दूर तक। अचानक रथ का पहिया एक दलदल में फंस गया। प्रभु ने बड़ी कोशिश की लेकिन नहीं निकाल पाए। अब यह भी विधि का विधान था, वो चाहते तो न जाने कैसे क्या कर सकते थे। अरे भगवान स्वयं नारायण है, क्या रथ के पहिए को नहीं निकाल सकते थे? निकाल सकते थे लेकिन वो ऐसा करना नहीं चाहते थे। अगर वो निकाल देते तो आज जो मैं कथा आपको सुना रहा हूं ये कथा नहीं सुनाता, ये कथा होती नहीं अगर वो अपने पहिए को स्वयं। लेकिन यहां भगवान नारायण को आवश्यकता पड़ी किसी दूसरे व्यक्ति की, कि कोई आए और इस पहिए को, बहुत कोशिश की। अचानक भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि दूर से एक बलिष्ठ एक वनवासी आ रहा है। भगवान ने कहा, प्रभु ने पूछा, जब वो वनवासी पास में आया, भैया तुम कोई कारीगर हो या किसी कारीगर को जानते हो जो मेरे रथ के पहिए को सही कर दे, इसको यहां से निकाल दे। घटोत्कच ने कहने लगे, प्रभु ये तो वन है बहुत बड़ा, मैं जानता नहीं हूं किसी को, लेकिन हाँ इतना मैं जानता हूं कि इसको मैं निकाल सकता हूं। भगवान बोले, भैया मेरे से ही नहीं निकला, मैं परेशान हो गया हूं इतनी देर, आपसे कैसे निकलेगा? बनवासी ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, हे द्वारिकानाथ, मैं पांडवों के भाई भीम का पुत्र घटोत्कच हूं। मैं भीम का पुत्र घटोत्कच हूं, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं एक बार निकाल जरूर दूंगा। प्रभु ने आज्ञा दी। और प्रेमियों, सबसे बड़ी बात बता दूं, घटोत्कच भी नहीं निकाल पाते। घटोत्कच ने सबसे पहले प्रभु के श्री चरणों में प्रणाम किया और मन ही मन कहने लगे, प्रभु लाज रख ले, प्रभु लाज रख लेना। मन ही मन गोविंद भी आशीर्वाद देने लगे कि जाओ ऐश करो, आराम करो। घटोत्कच ने मात्र क्षण भर में उस पहिए को निकाल दिया, रथ को निकाल दिया। प्रभु ने बड़े ही प्यार से घटोत्कच से कहा कि क्या आप, मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप भीम पुत्र घटोत्कच हो, लेकिन मैंने तो तुम्हें कभी नहीं देखा, इतना बड़ा बेटा हो गया और हमें पता नहीं। भाई मेरे पास तो खबर आती जाती। घटोत्कच कहने लगा, प्रभु आपका कहना सही है। प्रभु कहने लगे, भैया बताओ कब जन्म हुआ, कहां हुआ, कहां नामकरण हुआ, मुझे तो मालूम ही नहीं। घटोत्कच ने अपने जन्म की पूर्ण कथा भगवान श्री कृष्ण को सुनाई। उनके मन में घटोत्कच के प्रति प्रेम सहानुभूति पैदा हो गई। उन्होंने घटोत्कच से कहा कि आप कल द्वारिका आए, आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, आप बहुत प्यारे हैं,
हम भी कई बार करते हैं ना, कोई हमसे मिल जाता है, जब यहाँ थोड़ा सा भी प्रेम जागृत होता हम कहते हैं यार कभी घर आओ चाय भाई पियो। जैसे आज सुबह हमारे एक प्रेमी थे, क्या नाम था उनका, मैं नाम तो भूल गया, वो कह रहे थे किसी से, अरे बहुत दिन हो गए, आओ कभी चाय पियो। भगवान ने कहा कि एक बार द्वारिका आइए और मैं कल ही निमंत्रण देता हूं, आप कल आइए। प्रेमियों, इतना कहकर भगवान अपनी द्वारिका की ओर लौट गए। दूसरे दिन घटोत्कच द्वारिका के राजभवन में भगवान श्री कृष्ण के सामने उपस्थित हुआ। श्री कृष्ण ने स्नेह भरी दृष्टि से उनकी ओर देखा, देखते हुए कहा, घटोत्कच, तुम्हारा जन्म पांडव वंश में हुआ है, तुम्हें अपने वंश की सहायता और सेवा करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण विचारों में डूब गए। कुछ क्षणों तक सोचने के बाद फिर घटोत्कच की ओर देखते हुए बोला, ऐसा लगता है, मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि आने वाले समय में कौरव और पांडवों के बीच एक बहुत बड़ा महासमर होगा। ऐसा समर ना हुआ है और ना कभी होगा। प्रेमियों, एक छोटी सी बात और आपको बता दूं, हम बस महाभारत के युद्ध को देखते हैं कि महाभारत का युद्ध हुआ कौरव और पांडवों में। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने जितनी भी लीलाएं करी, जितना भी द्वापर में कुछ हुआ, वो संकेत था कि कलयुग में ऐसा होने वाला है। भाइयों भाइयों में झगड़े हुए, द्वापर में तो बहुत कम हुए थे, कलयुग में देखो आप। एक भजन मैंने सुना था कि सगे भाई को जहर हंसकर पिला देते हैं लोग। बिल्कुल सही बात है, आंख रोना भी चाहे तो रुला देते हैं लोग, आंख हंसना भी चाहे तो रुला देते हैं लोग, और सगे भाई को जहर पिला देते हैं लोग। उस महाभारत के युद्ध से हमें प्रभु ने शिक्षा दी थी कि कलयुग में ऐसा होगा। माखन चोरी करते थे, ये शिक्षा थी कि कलयुग में, ये तो अभी तो मैं माखन चोरी कर रहा हूं, बाद में इतने चोर हो जाएंगे कि माखन चोरी कोई नहीं करेगा, माल चोरी करेगा, और हो रहा। ये सब प्रभु की लीला थी, लेकिन कहते हैं कि समझने वाला ही समझ सकता है। बोल सांचे दरबार जय। भगवान श्री कृष्ण विचारों में डूब गए। कुछ क्षण सोचने के बाद घटोत्कच से कहने लगे, हे वीर, कौरव और पांडवों में भयानक युद्ध होगा, उस युद्ध में पांडवों की सहायता के लिए तुम्हें आना पड़ेगा, और तुम वहां आना, लेकिन कहते हैं कि ज्यादा बढ़िया और होगा कि आप कुल को बढ़ाएं और एक पुत्र आपके और होना चाहिए। लेकिन घटोत्कच कहने लगे, प्रभु मेरा तो विवाह नहीं हुआ, आप पुत्र की बातें कर रहे। भगवान कहने लगे कि मैंने बहू देख ली है, आपको देखने की आवश्यकता नहीं है, मैंने बहू देख ली है। पांचों पांडवों को बुलाया, पांचों पांडव आए। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर जी से कहने लगे कि देखिए, अब हमारा बेटा जवान हो गया है, अब इसके लिए वधू चाहिए, इसका विवाह करना बहुत जरूरी है। पांडव कहने लगे, भगवान आप जाने और आपका काम जाने, हम कहां बहू ढूंढने जाएंगे। बोले मैंने बहू ढूंढ ली है, बहू कहां है कहां नहीं। प्रेमियों, भगवान पांडवों से कहने लगे कि मूर देते की पुत्री मोरवी, बर्बरिक की मां का नाम मोरवी था। मैं किसी का खंडन नहीं कर रहा हूं,
लोग क्या क्या कहते रहते हैं, लेकिन बर्बरिक की माँ का